YouTube ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं YouTube पे जो मुझे दिखाना है। तो जैसे YouTube ओपन करते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं हिंदी मूवीज़, ठीक है। जैसे आप हिंदी मूवीज़ सर्च करेंगे, आपको दिखेगा ढेर सारी यहाँ पे हिंदी मूवीज़ पड़ी हुई। जैसे अभी देखिए सामने एक मूवी आई है राम सेतु, ठीक है, 2 दिन पहले ही अपलोड की गई है, जिस पर 10 लाख लगभग व्यूज़ हैं यहाँ पे। उसके नीचे भी और कुछ मूवीज़ हैं जो 2 हफ्ते पहले भी डाली गई, जिस पर 1.3 करोड़ व्यूज़ आए हुए हैं। यानी कि अगर आप ऐसी कुछ मूवी अपलोड करते हैं या फिर मूवीज़ के कुछ सीन अपलोड करते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा व्यूज़ देखने को मिलता है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो अगर आप मूवीज़ ऐसे अपलोड करते हैं, मूवीज़ की या फिर सीरियल्स के ऐसे सीन यहाँ पे डालते हैं, तो आपका वॉच टाइम तो मान के चलिए झटके में पूरा हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि अगर ऐसी मूवी आप अपलोड करते हैं तो इस पर कॉपीराइट क्लेम आएगा या फिर ऐसा कोई इशू आएगा तो क्या करेंगे, और इस पर पैसे कैसे मिलते हैं, क्योंकि चैनल तो मोनेटाइज है नहीं, तो पैसे मिलना कैसे है, तो आपको करना क्या है देखिए। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक YouTube के अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट डाला था, जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोगों में से कितने लोग का YouTube चैनल है जिसका मोनेटाइज हो चुका है और मोनेटाइज कितने लोग का नहीं हुआ है। तो 90% लोगों ने कहा था मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। फिर मैंने एक पोस्ट डाला था कि आप कोई ऐसा तरीका जानना चाहते हैं जिससे आपका 1000 सब्सक्राइबर अगर पूरा ना हो, आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर पूरा ना हो, फिर भी आप यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं। तो सभी लोगों ने, लगभग बहुत से ज़्यादा लोगों ने ये कहा था कि हाँ, अगर ऐसा कोई तरीका है तो मुझे जानना है कि कैसे हम अपने यूट्यूब चैनल बिना मोनेटाइज किए ही अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे तरीके के बारे में जिस पे अगर आप काम करते हैं तो आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, आपका क्राइटेरिया पूरा हो या ना हो, लेकिन आप वहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने YouTube पे मेरा थंबनेल देख के तो जान लिया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी रिलेटेड टॉपिक पे। यानी आप अगर मूवीज़ को अपलोड करते हैं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे आप मूवीज़ अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं। मैं जानता हूँ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मूवी अपलोड करेंगे तो कॉपीराइट क्लेम आएगा, ठीक है, आपके चैनल पे इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं कि कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक में बहुत बड़ा अंतर होता है। स्ट्राइक जब आता है तो आपके चैनल के लिए आता है, वो आपके चैनल पे खतरा होता है। 3 से 4 स्ट्राइक आने के बाद आपका चैनल डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर आप बात करें कॉपीराइट क्लेम की, तो इससे आपको कोई खतरा नहीं होता। होता क्या है, जिस वीडियो पे आपका कॉपीराइट क्लेम आता है उस वीडियो की जो भी अर्निंग होती है वो आपको नहीं दी जाती, बल्कि उस ओनर को दी जाती है जिसने कॉपीराइट क्लेम उस वीडियो पे किया होता है, यानी जिसका वो ओरिजिनल कंटेंट होता है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा, अगर हम यूट्यूब पर कोई मूवी या ऐसा कुछ सीन्स डालते हैं तो उस पर तो कॉपीराइट क्लेम आएगा, तो फिर क्या होगा। तो आप बिल्कुल चिंता मत की, मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा आज के इस वीडियो में, आपको सब कुछ समझा के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो आपको YouTube पे जाना है और यहाँ सर्च कर लेना हिंदी मूवी, ठीक है। सर्च कर लेंगे आपके सामने ढेर सारी मूवी आ जाएगी, इसमें से आपको जो भी मूवीज़ YouTube पे डाली है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। YouTube से कैसे डाउनलोड करते हैं वो आपको तरीका पता होगा, नहीं तो आप Google से जाके भी मूवी डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब जहाँ से आपको मूवी मिल जाए, या फिर आप मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो आपको पता होगा मूवीज़ कहाँ से मिलती है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है गूगल क्रोम पे। चलिए हम आपको क्रोम पे ले चलते हैं और वहाँ पे आपको एक वेबसाइट सर्च करनी जिसका नाम है सिफोनिक्स, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे सिफोनिक्स तो आ जाएगी, हम आपको दिखा देते हैं, ये वेबसाइट होगी, ठीक है। इसका लिंक वैसे मैं आपको दे दूंगा, अदरवाइज आप इसको क्रोम पे सर्च कर सकते हैं। ये वेबसाइट कुछ ऐसे खुलेगी आपको, जिस पे लिखा है मोनेटाइज योर कंटेंट। आप अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल यहाँ पहले, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको साइन अप करना होगा, और अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मेरा अकाउंट बना हुआ है। आपको साइन अप करने के लिए क्या करना होगा वो बता देता हूँ आपको। साइन अप पे क्लिक करता हूँ, इसमें आपको ईमेल आईडी, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, और पासवर्ड कन्फर्म करना होगा दोबारा से। पेमेंट सर्विस यानी जो आपको पैसे मिलने वाले वो मिलने वाले हैं पेपाल से, तो आपके पास पेपाल का अकाउंट है तो वो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। नहीं है तो पेपाल का अकाउंट यूट्यूब पे सर्च करिए कैसे बनाया जाता है, आप बना लीजिएगा। नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि पेपाल का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। फिर आपको पेपाल का ईमेल आईडी डालना है, करेंसी आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे डॉलर सिलेक्ट होगी, ठीक है, और आप यहाँ से साइन अप कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा लॉगिन का, तो चलिए मैं अपना अकाउंट लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपना ये चैनल देखकर लॉगिन कर लिया है सिफोनिक्स का। अब लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे इस पर लिखा हुआ है चूज द ट्रैक बाय लिसनिंग बिलो। आप इस नीचे जो कुछ ट्रैक दिए गए हैं आप इसे सुन सकते हैं, इसे यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यानी कि अब इनका कहना क्या है, सेकंड नंबर पे, यूज द ट्रैक इन कंटेंट यू पोस्ट टू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है। आप इनके इस ट्रैक को डाउनलोड करके कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे यूज कीजिए, यूट्यूब पे यूज कीजिए, आपको कोई चैनल है वहाँ यूज कीजिए, किसी वीडियो में यूज कीजिए, कहीं यूज कीजिए। और ये क्या करते हैं, और तीसरा ऑप्शन क्या है वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा आपके लिए, तो चलिए जान लेते हैं जल्दी से। तो इसमें आपको ट्रैक दिख रहे होंगे, इसमें से कोई भी एक ट्रैक डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आपको डाउनलोड कैसे करना है वो भी बता देते हैं। जैसे पहला ट्रैक है, इसके सामने देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, आप सिंपल से पे क्लिक करेंगे ये ट्रैक आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए डाउनलोड करके दिखा देते हैं आपको। चलिए हम घोष वाला डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया,
इस पर हम सिंपल से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। चलिए अभी डाउनलोड होगी कहाँ गया आपको पता है। अब हम चलेंगे सिंपल सा, अब जो काम है वो इंपॉर्टेंट देखिएगा समझिएगा। आपको जाना है अपने काइंड मास्टर या फिर जो भी आप एडिटर चलाते हैं वहाँ पे जाना है आपको। यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट लेना है और यहाँ पे आपको रिव्यू रखना है 16:9 वाला। यहाँ पे आप कोई भी एक नाम दे दीजिए, चलिए मूवीज बनाने जा रहे तो मूवी का ही नाम दे देते हैं और क्रिएट करते हैं। अब हमें क्या करना होगा, काइंड मास्टर ध्यान से देखिएगा, जो मूवी अभी आपने डाउनलोड की है या फिर मोबाइल पड़ी है आपको उसको सिंपल सा यहाँ पे ले आना है। तो हम किसी मूवी को ले लेते हैं, चलिए मेरे पास कुछ मूवी डाउनलोड पड़ी होगी। चलिए मैंने एक एक सीरियल का क्लिप ले लिया है, ठीक है। अब मैं इसी पे आपको एडिट करके दिखाता हूँ आपको करना क्या है। अब समझ लीजिए ये आपकी मूवी हो गई या फिर आपका मूवी का सीन हो गया या किसी सीरियल का सीन हो गया। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करनी है। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे, बीच में या फिर लास्ट में कहीं भी आपको बस जाना है अपने ऑडियो पे, जो अभी हमने वहाँ से MP3 यानी कि जो भी हमने वहाँ से डाउनलोड किया था सिफोनिक साइट से जो डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे नीचे लगा देना है। तो चलिए हम अपना सर्च कर लेते हैं वो हमारा डाउनलोड अभी कहाँ गया। हम फोल्डर पे जाते हैं और हमने जो रखा था वो रखा था अपने फोल्डर में, मुझे पता है। आप अपने फोल्डर जहाँ भी आपका डाउनलोड हो गया था वहाँ से आप निकाल लीजिएगा। चलिए मैंने इसको प्लस पे क्लिक किया, देखिए ठीक है, यहाँ प्लस पे क्लिक किया और ये हमारे नीचे ऑडियो आ गया, ठीक है। अब ये ऑडियो कैसा प्ले होगा, जरा इसको प्ले करके दिखा देते हैं आपको। ये कुछ ऐसी मूवी चलेगा और नीचे ऑडियो प्ले होता रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, चाहे जिस ऑडियो को आप इसका वॉल्यूम आप कम नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, जैसे इसे पढ़ा करनी है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप इस ऑडियो को चाहे तो स्टार्ट में लगा दीजिए, चाहे बीच में लगा दीजिए, चाहे लास्ट में लगा दीजिए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा बीच में ही लगाइएगा, शुरू के आधा घंटे आधे घंटे मत लगाइएगा, या जैसा भी आपका क्लिप है क्लिप के लास्ट में लगाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या सामने जो मूवीज़ देखने वाला है उसके इंजॉयमेंट में कोई दखल ना हो, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसको सेव कर लेना, बस इतना ही काम दोस्तों करना था आपको। यहाँ पे मूवीज़ डाउनलोड करनी थी, ये इनका जो ऑडियो है यहाँ लगा देना था और इसको फिर आप जाके सेव कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव कैसे करना पता है, सेव एज वीडियो करेंगे, क्लिक कर लेंगे और ये आपका मोबाइल में सेव होना शुरू हो जाएगा। देखिए सेविंग होना स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव होने देते हैं। अब दोस्तों अब आपको जाना है अपने YouTube पे और उस वीडियो को जो हमने सेव किया था उसको बाकायदे, जैसे आप डेली वीडियो अपलोड करते हैं वैसे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जब आपका वीडियो अपलोड हो जाए तब आपको उसका लिंक निकालना है। लिंक कैसे निकालेंगे आपको पता होगा, आप अपने YouTube पे जाएंगे, ठीक है, उस वीडियो का लिंक कॉपी करेंगे, यानी जिसमें आपने वो ट्रैक यूज किया है ना उस वीडियो का लिंक आप कॉपी करेंगे। वो तरीका आपको पता होगा, नहीं पता तो आप YouTube से भी लिंक कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आप YT स्टूडियो में जाके भी अपना लिंक कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको लिंक कॉपी करना दिखा देते हैं। बताता हूँ आपके लिए, मैंने एक सॉन्ग अपलोड कर दिया है जिसे आप सॉन्ग भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी सीरियल का कुछ सीन्स या कॉमेडी सीन आप देखते होंगे वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने कोई भी एक गाना ले लिया है जिसको मैंने अपलोड कर दिया, जिसमें मैंने ये ट्रैक यूज कर लिया था, ठीक है। अब आपको देखिए जाना है अपने YouTube पे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ शुरू से। ये आपका YouTube चैनल है, आपको ऊपर यहाँ पे ये देखिएगा आपका डीपी क्लिक कीजिएगा, योर चैनल में जाइएगा और यहाँ से आपको वीडियो आ जाएगा ऑप्शन, वीडियो क्लिक करके आप साइड में के तीन डॉट दिख रहा होगा उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। शेयर करेंगे तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा कॉपी लिंक का, आप यहाँ से लिंक को कॉपी करेंगे। अब आपको ध्यान समझना है, यही वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे आप अर्निंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको इस लिंक को कॉपी करने के बाद, लिंक आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, जाना है फिर से उसी वेबसाइट पे, सिफोनिक्स पे। तो हम चलेंगे अपने क्रोम पे और फिर से सिफोनिक्स ऑन करते हैं, हालांकि मेरा सिफोनिक्स लॉगिन है, हटाते हैं इसको। हम आ गए सिफोनिक्स पे। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है इन तीन ऑप्शन पे, प्रोफाइल पे जाएंगे आप, ठीक है। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा माई ट्रैक का, ठीक है, आप माई ट्रैक पे जाएंगे। तो आपने इसमें से जो ट्रैक, वैसे आप डायरेक्ट भी यहाँ से माई ट्रैक पे जा सकते हैं, ठीक है। आपने मान लिया अगर घोस्ट वाला ऑडियो यूज किया है तो आप घोस्ट पे क्लिक करेंगे, जो ऑडियो यूज किया होगा उस ऑडियो पे क्लिक करेंगे आप, जो आपने वहाँ यूज किया होगा अपनी वीडियो में। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा, ठीक है। अब आपको देख यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऐड न्यू लिंक। अब आपने यूट्यूब पे यूज किया है, यानी यूट्यूब पे अपलोड किया उनका वीडियो जिसमें आपने ये ट्रैक यूज किया है, तो आप यूट्यूब पे क्लिक करेंगे। आपने टिकटॉक पे यूज किया है तो टिकटॉक पे क्लिक करेंगे। इंस्टाग्राम पे यूज किया है, यानी इंस्टाग्राम पे डाला है तो वो यूज करेंगे। फेसबुक पे डाला तो फेसबुक क्लिक करेंगे। तो हमने अपना उनका जो ट्रैक लिया था वीडियो को डाला है यूट्यूब पे, तो हम यूट्यूब पे क्लिक करेंगे। यूट्यूब क्लिक करने के बाद आपको ये पेज खुल के आएगा जहाँ URL मांगेगा। अब जो लिंक हमने वहाँ कॉपी किया था उस लिंक को यहाँ पे रखेंगे और ऐसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है।
बस आपका काम हो गया। अब ये होगा कि आपको समझना है। अब दोस्तों ऐसा करने के बाद ये कंपनी क्या करेगी, जैसे कि आपने जो मूवी अपलोड की है उस मूवी पे उस मूवी ओरिजिनल ओनर का कॉपीराइट तो है, वो कॉपीराइट क्लेम मारेगा, लेकिन साथ ही साथ ये सिम्फोनिक्स वाले भी उस पर कॉपीराइट क्लेम मारेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनको लिंक दे दिया है, हमने लिंक दे के बता दिया कि भाई साहब आपका हमने ये वाला सॉन्ग इस वाले वीडियो में यूज किया है, तो वो यहाँ से कॉपीराइट क्लेम मारेंगे कि भाई मेरा भी उसमें सॉन्ग यूज हुआ है। ऐसे में क्या होगा, यूट्यूब क्या करेगा, जो भी दोनों ओनर यानी म्यूजिक ओनर जो सिम्फोनिक्स वाले हैं और जो ओरिजिनल ओनर हैं दोनों ही कॉपीराइट क्लेम मारे होंगे, तो वो जो भी उस वीडियो से अर्निंग होने वाली है वो दोनों में 50-50 बांट देगा, यानी आधे पैसे उनको देगा और आधे पैसे सिम्फोनिक्स वाले को देगा। और सिम्फोनिक्स का कहना है, आप देखें वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि जो भी ये सिम्फोनिक्स अर्निंग करते हैं उसका 50% देते हैं आपको, यानी आपने इनका सॉन्ग यूज किया है जिसके लिए आपको ये 50% अपना यानी 25% आपको उसमें से मिल जाता है पैसा। तो दोस्तों ये कुछ तरीका होता है, इस तरह से आप बिना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज के भी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।